नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर जोन के नवागत एडीजी जोन 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। गोरखपुर जोन को अपराध मुक्त जोन बनाना पहली प्राथमिकता होगी। जोन से सटे जनपदों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बराबर रखी जाएगी और असंवैधानिक गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जाएगी। हमारे कार्यालय पर आने वाले हर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोरखपुर के डॉक्टर के एस प्रताप कुमार के लिए कोई नया नहीं है। गोरखपुर में वर्ष 2002 में बतौर एसएसपी भी रह चुके हैं। गोरखपुर जोन के ही बलरामपुर में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। यहां की मूलभूत समस्याओं से रूबरू होने वाले के एस प्रताप के लिए कोई नया नहीं होगा। सही कार्यों और करने में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं लगती है। वहीं गलत कार्य कराने या उसकी पैरवी करने वालों को वे पसंद भी नहीं करते। पीड़ित अपनी समस्या लेकर उनसे समय मिले, उसकी पूरी मदद की जाएगी। किसी बिचौलिए के साथ ना लेकर आए तो और भी बेहतर होगा। बताते चलें कि पीएससी मुख्यालय में बतौर एडीजी की तैनात पर हाल ही में पीएससी स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। इस दौरान एडीजी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार की सराहनीय कार्यशैली की सीएम ने खूब तारीफ किया था और गोरखपुर जोन का एडीजी की तैनाती पर सीएम ने उन्हें इनाम के रूप में दे दिया। आईपीएस के एस प्रताप मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं। इसके पूर्व पीएससी मुख्यालय लखनऊ में एडीजी के पद पर तैनात रहे। वो प्रयागराज जैसे जोन के साथ ही एडीजी क्राइम सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर्किट हाउस पर आईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविन्द्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने स्वागत किया। इससे पूर्व सर्किट हाउस पर एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप कुमार का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। नगर बोर्ड की पांचवी बैठक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम पूर्व पार्षद की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पास किया और उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर सभी पार्षदों व अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद बोर्ड की बैठक शुरू की गई, जिसमें महानगर की समस्याओं पर चर्चा की गई। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सबकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारा कर्तव्य है कि सभी वार्ड के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले। इस अवसर पर पार्षद मनोज निषाद, केसी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लड़ते रह पर देते कुछ लिखी की आदमी तब से मांगा था ये सूचित किया है कि महोदय आपको अवगत कराना है कि हमारे वार्ड में के निवास करने वाले पूर्व पार्षद श्री अजय अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल जी का दिनांक 2/1/2024 दिन मंगलवार को मृत्यु हो गई। नगर निगम गोरखपुर में 1995 से 2000 तक इनका कार्यकाल था। इनके ईश्वर इनके आत्मा की शांति प्रदान करे। इसी संदर्भ में एक शख्स नगर निगम एक शोक प्रस्ताव पारित करता है। नगर निगम गोरखपुर के पूर्व पार्षद माननीय अजय अग्रवाल जी का दिनांक 2/1/2024 को आकस्मिक निधन हो गया है। नगर निगम के माननीय पार्षदगण एवं समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शोक प्रस्ताव पारित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। 1 मिनट का मौन रखेंगे, फिर उसके बाद अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मीटिंग कर ले हम लोग। अगर आप लोग की अनुमति होगी तो हम लोग जरूर करेंगे। खिचड़ी आ जाएगा, कर लिया जाएगा।
इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा। देखिए आज अभी इस बैठक में हमें आकस्मिक सूचना मिली कि पूर्व पार्षद हमारे माननीय श्री अजय अग्रवाल जी का निधन हो गया 2 जनवरी को इस बार, इसलिए जो है ये बैठक अभी तो केवल शोक संवेदना के साथ समाप्त की जाती है। बाकी सभी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर बाद दूसरी बैठक कुछ मुख्य बिंदुओं को पे निर्णय के लिए किए करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, बाकी शेष जैसा होगा आपको बताया जाएगा। एडीजी जोन अखिल कुमार का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर कानपुर बनने के आईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर बधाई दिया। आपको बता दें कि एडीजी जोन अखिल कुमार ने पूरे जोन में अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया था, जिसकी वजह से पूरे जोन में प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, जिसकी वजह से अपराध में काफी कमी आई और जो भी घटना खुलते थे इन्हीं सीसीटीवी की मदद से खुलते थे, जिसकी सभी लोग सराहना करते हैं। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव के पास बाइक सवार युवक से हुई 12 लाख रुपए की लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को बेलीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट की रकम का 1,50,000 रुपया बरामद किया है। जिसके संबंध में एसपी सौ जितेंद्र कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर 2023 की शाम करीब 7:30 बजे कौड़ीराम क्षेत्र के धसकी निवासी सुजीत कुमार खोराबार थाना क्षेत्र के रानीडीहा से 12 लाख रुपए लेकर दोपहिया वाहन से निकला था, जिसमें से 3,47,500 रुपए उसने अपने परिचित शिवम उर्फ सोनू वर्मा पुत्र भोला वर्मा निवासी सतुआफार थाना खजनी को 69 से देकर बेलीपार थाना क्षेत्र के जुड़ापुर निवासी मेरे भाई जितेंद्र को देने के लिए आगे बढ़ा, किंतु शिवम की मुखबरी पर जीतपुर के पास 2 बाइक सवार 5 लुटेरों ने 8,52,500 रुपए लूट लिया था, जिससे एसएसपी के निर्देश पर स्वाट प्रभारी तथा बेलीपार पुलिस की टीम ने घटना के तीसरे दिन घटना में शामिल 3 अभियुक्त शिवम राम आशीष तथा प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तथा 31 दिसंबर की भोर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 अभियुक्त राज पंडित उर्फ गोविंद उपाध्याय तथा शुभम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुठभेड़ के दौरान 22 वर्षीय सत्यम राय उर्फ गणेश पुत्र मुरली राय निवासी पगार थाना बांसगांव मौके से फरार हो गया था, जिसको मुखबिर से मिली सूचना पर थाना अध्यक्ष बेलीपार पुरुषोत्तम आनंद सिंह चौकी प्रभारी मारवाड़िया कुआं अनिश कुमार सिंह कांस्टेबल संजय गुप्ता राहुल यादव उपेंद्र यादव की टीम ने दबिश देकर अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर उसके पास से 1,50,000 रुपया बरामद किया है। घटना में वांछित फरार एक अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, ये थाना बेलीपार पे 24 दिसंबर को कुछ अभियुक्तों के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी में वांछित चल रहे अभियुक्त सत्यम राय, जो थाना बांसगांव का रहने वाला है, उसको आज थाना बेलीपार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और उसके पास से गिरफ्तारी जो करने के बाद में उससे जो लूटा गया रकम थी लगभग 1.5 लाख रुपए, उससे बरामद भी किया गया है, और इसी बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद अब आगे की विधिक कार्यवाही थाना बेलीपार पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। सर, इस मामले में कितने लोग वांछित थे और अब तक कितने जेल जा चुके हैं? इस घटना में पूर्व में 5 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, अभी इसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा है जो थाना साजनवा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार हमारी टीम दबिश दे रही है और शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर। जनपद में जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर 6 जनवरी को सभी मांस व मछली की दुकान बंद रहेगी, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सगोराल ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जो पवित्र पर्व है उस पर मांस व मछली की दुकान बंद किया जाए, जिसको देखते हुए पूरे जनपद में 6 जनवरी को पूरे जनपद में मांस व मछली की दुकान बंद रहेगी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सगोराल ने कहा, देखिए शासन के निर्देशानुसार ये शासन का निर्देश था कि जो हमारे पवित्र त्यौहार हैं उन त्यौहारों पर और उन पर्वों पर जो भी मांस की दुकानें हैं उनको बंद किया जाए, उसी क्रम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा
एक आदेश जारी करके सभी शहरी क्षेत्र में जितनी भी दुकानें उस दिन पड़ेंगी 6 तारीख को सबको बंद करने का आदेश दिया गया। जनपद में अभी 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में मौसम खुलने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी बारिश की या किसी तरह की सूचना व्यक्त नहीं की गई है। अब मौसम धीरे धीरे साफ होगा। उन्होंने कहा कि सुबह व शाम में कोहरा रहेगा और दिन में धूप निकलेगी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार अब मौसम खुलने की संभावना उनके द्वारा व्यक्त की गई है। किसी प्रकार की अभी बारिश की या किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा नहीं प्रदान की गई है। अब धीरे धीरे मौसम खुलने की संभावना रहेगी। अगले 1-2 दिनों में मौसम खुल जाने की पूरी संभावना है। सर सुबह शाम में अभी कोहरा, हाँ ये फॉग की सिचुएशन सुबह शाम में रहेगी क्योंकि ठंडक का सीजन है, तो बट नेचुरल सी बात है कि थोड़ा सा ये सुबह शाम फॉग का रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलने की पूरी संभावना रहेगी और मौसम धीरे धीरे खुलने लगेगा।